हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 का गणित का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रमेय संख्याओं के लिए प्रमेय संख्या का योज्य तत्समक कितना होता है? 0 होता है। 3x = 2x + 18 में एक्स का मान कितना होगा? इसे जब हम हल करेंगे तो हमारा जो एक्स का मान निकलेगा 18 निकलेगा। कितना निकलेगा? 18। अगला देखते हैं, इसमें है किसी बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग कितना होता है? तो 360 डिग्री होता है। कितना? 360। एक समबाहु में कितनी भुजाएं होंगी? यदि एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री है तो कितनी भुजाएं होंगी? 15 भुजाएं हो जाएंगी। कितनी भुजाओं से एक अद्वितीय चतुर्भुज प्राप्त हो सकता है? तो 4 भुजाओं से। 10-20 में निम्न वर्ग सीमा क्या है? 10 हो जाएगी। वृत्त आलेख क्या कहलाता है? तो पाई चार्ट जो होता है हमारा, वो वृत्त आलेख कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्त आलेख। 8वां प्रश्न है, वह संख्या जितनी बार कोई एक विशिष्ट प्रविष्टि आंकड़ों में आती है क्या कहलाती है? तो वो बारंबारता कहलाती है। क्या? बारंबार। 16 का वर्ग कितना होता है? 256 होता है। वर्गमूल कितने किसकी प्रतिलोम संक्रिया है? तो वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया है। लघुत्तरी प्रश्न देखेंगे, प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम बताना है। तो ये जो इसमें है, जो गुणधर्म का यूज हुआ है, गुणात्मक तत्समक का यूज हुआ है, और बा वाले में गुणन का क्रम विनिमेयता का यूज हुआ है। किसका? गुणन का क्रम विनिमेयता। अगला देखते हैं, इसमें जो स नंबर दिया है, इसमें गुणात्मक प्रतिलोम का यूज हुआ है। किसका? गुणात्मक प्रतिलोम। समीकरण को हल करना है, ये एक समीकरण दिया है, इसको हल करने पे हमें जो मिलता है, एक्स का मान कितना मिल जाता है? 5 मिल जाता है। कितना? 5। इसका हल हमने कर दिया है। इसी तरह 13वां वाले क्वेश्चन को भी देख लेंगे, तो इसे भी रैखिक समीकरण को हल करना है। तो इसको जब हम दोनों रैखिक समीकरण को हल करेंगे तो ये हमें x का मान मिलेगा 8। कितना मिलेगा? 8। नीचे दी गई आकृति में x कोण की माप ज्ञात करनी है, तो इसमें x कोण की जो माप निकलेगी हमारी 60 निकलेगी। कितनी? 60। 15वां प्रश्न ये देख लेंगे, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 45 डिग्री है। तो इसे जब हम कल हल करेंगे तो भुजाओं की संख्या जो निकलेगी 8 निकलेगी। कितनी? 8। 16वां, जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित के प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम बताना है। एक अभाज्य संख्या 2, 3, 5। एक अभाज्य संख्या नहीं, 1, 4, 6। 5 से बड़ी एक संख्या 6 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 6। अगला, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल में इकाई अंक बताना है। किसका इकाई अंक क्या होगा? तो 81 का इकाई अंक 1, 1234 का क्या हो जाएगा? 6, और 38-53 का 9 हो जाएगा, जब हम इसका वर्ग निकालेंगे। 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है, तो 1, 3, 5 ऐसे कर लिखना है, लिख देंगे। पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 14 है, तो इसको हल करेंगे तो ये 7 निकलेगा, 48 निकलेगा और 50 हल निकलेगा। 20वां प्रश्न, 1764 का वर्गमूल निकालना है, तो ये हमारा वर्गमूल निकाला है। 21वां प्रश्न ये हमारा, तो इसमें क्या करना है? पाई चार्ट में से बताना है। ये हमारा 22वां और लास्ट प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन को भी देख लेंगे क्या है। भाई, सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 180 से गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस प्रकार पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी याद करना है। तो इस प्रश्न को भी देख लेंगे।